नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ कॉर्नेशन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल कैबिनेट की बैठक कर रहे थे और उसमें 36 एजेंडों पर मुहर लगी और उसमें एक महत्वपूर्ण घोषणा नीतीश कुमार की तरफ से की गई, जिसमें बिहार के लोगों को एक बड़ी उपहार मिली। थैलीसीमिया जो बीमारी है, जो कि एक बहुत बड़ी बीमारी है, उसके लिए घोषणा की गई नीतीश कुमार की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट मुफ्त की जाएगी। सिर्फ ट्रांसप्लांट मुफ्त नहीं की जाएगी बल्कि 15 लाख की सहायता भी राज्य सरकार करेगी। क्या है पूरी खबर, आइए हम आपको बताते हैं। राज्य के थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बिहार कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री बाल थैलीसीमिया योजना को स्वीकृति दी गई है। इस योजना के तहत थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को प्रदेश सरकार मुफ्त बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा देगी। इसके लिए 15 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। कैबिनेट मीटिंग के बाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए बिहार सरकार ने बड़ी राहत की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि फ्री बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा से बच्चों को बार बार खून चढ़ाने की परेशानी से निजात मिल जाएगा, साथ ही परिवार पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ से भी राहत मिलेगी। अक्सर गरीब परिवार के बच्चे में जब यह बीमारी मिलती है तो अधिक खर्च की वजह से यह ट्रांसप्लांट कराना संभव नहीं हो पाता है। सरकार बच्चों को उचित मदद पहुंचाने के कृत संकल्पित है, जिसके लिए बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग मेडिकल कॉलेज वेल्लोर के बीच करार होगा। इस योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से प्रति रोगी 15 लाख का वित्तीय अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। आपको बता दें, करार के बाद राज्य के थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट सीएमसी वेल्लोर में होगा। फिलहाल इसके लिए पीएमसीएच में रजिस्ट्रेशन जारी है। 1 अगस्त को पीएमसीएच के ऑडिटोरियम में पीएमसीएच के शिशु रोग विभाग और सीएमसी वेल्लोर के संयुक्त तत्वाधान में AHALA कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें पीड़ित बच्चों के भाई या बहन से खून और बोन मैरो का मिलान किया गया। योग्य बच्चों का चयन कर सरकार उसे सीएमसी वेल्लोर भेजेगी। बोन मैरो ट्रांसप्लांट होने के बाद बच्चों को बार बार रक्त चढ़ाने से मुक्ति मिलेगी। इससे पहले सरकार ने राज्य के जन्मजात दिल में छेद से पीड़ित बच्चों का निःशुल्क ऑपरेशन करने का अभियान शुरू किया था, जिसमें अब तक 1500 से अधिक बच्चों का ऑपरेशन हो चुका है। थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के बोन मैरो ट्रांसप्लांट में लगभग 15 लाख रुपए का खर्च आता है। सरकार द्वारा इसका खर्च उठाने से इन बच्चों के परिवार को बड़ी आर्थिक मदद दी जाएगी। तो आपने सुना कि जो थैलीसीमिया पीड़ित बच्चे होते हैं उनके उपचार में एक मोटा रकम खर्च होता है उनके परिवार से, और ऐसा कहा जाता है कि जो गरीब घर के बच्चे होते हैं वो इस उपचार को करवा भी नहीं पाते हैं। तो उनके लिए अब बिहार सरकार ने एक योजना की घोषणा की है, जिसमें अब बिहार सरकार बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाएगी और आर्थिक रूप से उनको सहायता करने के लिए 15 लाख रुपए राशि का भी मदद करेगी।